हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 1 दिसंबर और आज से 3 दिन बाद मतलब 4 दिसंबर को मेरा कंपटीशन है जिसकी मैं प्रेप कर रहा हूँ, मसल मेनिया। और पिछले 3 दिन बहुत मुश्किल से बीते हैं क्योंकि पिछले 3 दिन में काफ एकदम लो था, मतलब काफ समझो जीरो ही था, एकदम काफ डिप्लीट कर रहा था बॉडी से और पानी तो पी रहा था पर काफ बिल्कुल नहीं थे तो एकदम ताकत नहीं रह रही थी वर्कआउट करने की। फिर भी मैं वर्कआउट कर रहा था और आज से काफ लोडिंग स्टार्ट होगी। 3 दिन काफ लोडिंग करेंगे, फिर चौथे दिन गेम है तो आज दिखाएंगे कि काफ लोडिंग कैसे करते हैं। वैसे आज से चावल खाना स्टार्ट है तो थोड़ा बहुत खुश हूँ, पर एक और दुख की बात यह है कि मुझे पानी नहीं पीना है तो मतलब आज से वाटर लेवल भी कम हो जाएगा, आज से कम पानी पियेंगे। कल तो मैंने बहुत पानी पिया था, लगभग 7-8 लीटर पानी पिया था, पर आज से 2 या 3 लीटर पानी पीऊँगा अगले 2-3 दिन तक। तो देखते हैं क्या होता है इस कंपटीशन में, मतलब अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ। अब रिज़ल्ट जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं अपने से लॉयल हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, तो चलते हैं पहले कार्डियो करते हैं। और अभी मैंने कुछ नहीं खाया और मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, डेली व्लॉगिंग करूँगा, पर सीन ये था ना कि जब मैं कार्डियो करके आता था तो मुझे इतनी तेज़ भूख लगी रहती थी कि मैं आके जल्दी से अपनी मील बना के खा लेता था, उसके बाद याद आता था कि अरे मुझे तो व्लॉगिंग करनी थी, दिखाना था क्या खा रहा हूँ। और मेरा चेहरा देख के लग ही रहा होगा कि एकदम कार्ब डिप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज का रूटीन दिखाते हैं आपको कि आज मैं क्या खाने वाला हूँ, कितने बार खाने वाला हूँ, वर्कआउट कैसा होगी, क्योंकि आज से वर्कआउट भी चेंज है। जैसे मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी का वर्कआउट होगा, लेग्स नहीं करूँगा क्योंकि इतनी ताकत नहीं है, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है मैंने, तो मतलब खाया है पर कार्ब्स नहीं खाया है। तो प्रोटीन से बहुत ज़्यादा ताकत नहीं मिलती है, प्रोटीन से बस बॉडी रिकवरी होती है। तो कोई नहीं, चलते हैं पहले कार्डियो करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको आज का पूरा रूटीन। तो गाइस कार्डियो डन, एकदम स्ट्रेंथ नहीं थी बॉडी में, कैसे भी मैंने कार्डियो किया। रोज 300 कैलोरी बर्न करता हूँ, आज मैंने बस 220 ही कैलोरी बर्न की क्योंकि रनिंग नहीं हो पाई, बस वॉकिंग किया मैंने। और स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि रनिंग करूँ, और थोड़ा बहुत साइकिलिंग की और थोड़ा बहुत एब्स की वर्कआउट की। तो फिर आपको अपनी मील दिखाएंगे कि आज से कौन सी मील होने वाली है मेरी। सेम ही मील होगी, मतलब एक जो पहली मील होगी ना वो लास्ट तक सेम ही रहेगी क्योंकि आज से कार्ब्स लोडिंग स्टार्ट है। तो चलिए दिखाते हैं आज से आपको क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। सो गाइज, ये रही मेरी मील, फर्स्ट मील, और यही सेम मील मेरी होने वाली है नेक्स्ट 5 मील भी, मतलब आज मैं 6 मील लूँगा इसी का। इसमें है 50 ग्राम्स चिकन और किशमिश और 120 ग्राम्स चावल। इस मील में सबसे मस्त चीज़ मुझे ये लगी है किशमिश, मतलब किशमिश खा के ना लग रहा है कि क्या ही खा लिया हो, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन से मीठा कुछ खाया ही नहीं था मैंने, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है किशमिश खा के। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब कार्ब्स लोडिंग स्टार्ट हो गई, थोड़ी बहुत ताकत रहेगी, बस एक ही चीज़ का गम है कि पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर कोई नहीं, पर किशमिश रहेगी यही सबसे मस्त चीज़ है। और मेरे फेस पे उतना मत जाना लो क्योंकि इस समय मेरा फेस एकदम सूख चुका है और मैं खुद को भी नहीं अच्छा लग रहा हूँ, तो आपको क्या ही अच्छा लगूंगा। सो कोई नहीं, कंपटीशन के 3-4 दिन बाद फेस पहले जैसा ही हो जाएगा जब बॉडी में अच्छे से डाइट जाने लगेगी। तो कोई नहीं, ये मील खत्म हुआ, उसके 2 घंटे बाद फिर से यही मील होगी, उसके 2 घंटे बाद फिर से यही मील होगी, उसके बाद मैं जिम जाऊंगा 3 बजे, वर्कआउट भी दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन सा वर्कआउट आज रहेगा। सो गाइज, अभी बच चुके हैं 2:00 PM और अब चलते हैं जिम। सुबह से मैंने 3 मील ले ली है, जो मैंने दिखाई थी आपको सेम 3 मील वही थी। उसके बाद अब चलते हैं जिम, 1 मील मैंने पैक भी कर लिया क्योंकि उधर से मुझे आने में टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे बाल उल कटवाना है तो मील मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने 1 मील पैक कर लिया जिम के, थोड़ी देर बाद खा लूँगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज का वर्कआउट। जिम पहुँच गया और 3 बजे आने का रीज़न ये भी था कि जिम एकदम खाली होगा, सो जिम में कोई नहीं है क्योंकि अभी इंटेंस वर्कआउट करना है तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और अगर मैं 5 बजे आता हूँ तो उस समय भीड़ होती है, मतलब मशीनें खाली नहीं मिलती हैं तो दिक्कत होती है।
सो अभी कर लेते हैं, जब तक सारे लोग आएंगे तब तक मेरा वर्कआउट भी हो जाएगा। जितने भी एक्सरसाइज करेंगे ना, जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज है तो चेस्ट की 2-3 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद बैक, उसके बाद बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, मतलब सबकी 2-2-3-3 एक्सरसाइज करेंगे। और मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगाना है, एक नॉर्मल वेट पे। अब क्या करना है ना कि अब मसल बहुत ग्रोथ नहीं करना है, 3-4 दिन में ना बहुत मसल ग्रो नहीं हो जाएगा, तो उसको पंप करना है। तो ज़्यादा वेट नहीं लगाना है, नॉर्मल वेट पे, जिस वेट पे मैं 15-20 रेप्स मार ले रहा हूँ ना, उतने वेट के साथ मैं रेपिटेशन पर आने का ट्राई कर रहा हूँ। गाइज़ ये दूसरा दिन, कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, पता नहीं क्यों नहीं बना पाया, पर नहीं बना पाया। और आज सुबह से मैं इतना बिजी था पैकिंग, और मेरी एक गंदी आदत है कि जिस दिन जाना रहता है ना उस दिन ही मैं पैकिंग करता हूँ। सो सुबह पैकिंग की, कार्डियो किया, फिर उसके बाद घर आके मील लेके फिर जिम गया, फिर जिम किया, क्योंकि आज का जिम ना लास्ट जिम था कॉम्पिटिशन से पहले। आज का दिन मतलब ओवरऑल बॉडी ट्रेन करनी थी, और कल नॉर्मली अगर मन करेगा तो कार्डियो कर लूँगा। अभी बज रहे हैं शाम के 4:05 मेरी ट्रेन है, तो ये वाला व्लॉग में भी मैं दिल्ली पहुँच के एंड करूँगा, और उसके बाद नया व्लॉग दूसरे वीडियो में आएगा। सो स्टे ट्यून, व्लॉग देखते रहना रोज़। तो अभी चलते हैं, पैकिंग हो ही गई है, सब सेट करते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस पैकिंग हो चुकी है, मेरे साथ जा रहे हैं सत्या ब्रो। सो गाइज गुड मॉर्निंग, देखा होगा आपने पहले कि मैं लखनऊ में उतर चुका हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये मेल आया मुझे रात पे जब मैं सो गया था, और उसके बाद मैं उठा ये देखने के लिए कि मेरी ट्रेन कहाँ पहुँची है, तो पता चला कि इवेंट ही पूरा कैंसिल हो गया। मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग ना, मतलब मैं एकदम शॉक हो गया देखे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। मैं तो आज जा रहा था, कितने सारे एथलीट ऐसे थे जो दिल्ली में रह रहे थे 3-4 दिन पहले से ही, जाके वहाँ सारी व्यवस्था करके कितने दिन से लगे हुए थे सब। किसी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में ना मेन दिन होता है आपका लास्ट का 6-10 दिन, मतलब वो दिन ऐसा होता है, वो लाइफ ऐसी होती है ना जिसमें आपको इतना स्ट्रगल करना होता है, पूरा बॉडी में अचानक से काफ बंद करना, फिर अचानक से काफ लोड करना, फिर बॉडी कंडीशन के हिसाब से सारी चीज़ें करना, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था मसलमेनिया से। मैंने बात भी की मसलमेनिया से, तो उन्होंने बोला कि वहाँ शायद कोई इलेक्शन हो रहे थे जिसकी वजह से मतलब ये पूरा इवेंट कैंसिल कर दिया गया, और क्या पता कि 10-11 को कॉम्पिटिशन हो ही। तो मेरा मतलब एकदम भरोसा उठ गया है, अब पता नहीं, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करूँ, खेलूँ या ना खेलूँ, क्योंकि फिर से वही सारी चीज़ें, उतना अच्छा रिस्पांस आएगा कि नहीं। मतलब छोड़ो, आप लोगों ने तो देखा ही था कि मतलब कितना गुस्सा हुआ था मैं मसलमेनिया में, जिम जाओ जिम से आओ, फिर जिम जाओ जिम से आओ, सुबह जाओ खाली पेट कार्डियो करो, उसके बाद फिर जाके वर्कआउट करो, पूरी बॉडी डिप्लीटेड है, काफ नहीं जा रहा है, उसमें भी जाके वर्कआउट करो। सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अब मे भी शायद मैं 10-11 को जो हो रहा है उसमें ना खेलूं, क्योंकि मैं एकदम मन ही नहीं है मेरा अब खेलने का। मुझे खेलना भी होगा तो मैं नेक्स्ट ईयर ICN खेलूँगा। सो ये वीडियो यहीं तक थी, और ये सीरीज़ भी यहीं तक थी। मूड बहुत ख़राब है, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई वीडियो आप मिस करो।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री